अब खड़े होते हुए पैरों को कुछ यूं खोल के रखना है, हिप से थोड़ा ज़्यादा, टेढ़े पैर नहीं रखेंगे, सीधे पैर बिल्कुल सामने फ्रंट वॉल की तरफ। घुटनों को थोड़ा ढीला ढीला रखेंगे, टाइट नहीं होने चाहिए आपके नीज, इतना क्लियर है? चल, उसके बाद थोड़ा थोड़ा साइड मूव करना है, एक हाथ इस तरह ऊपर की तरफ आएगा चेस्ट की तरफ, फिर इस तरह दूसरी तरफ। ये करते करते आपको अपने पेट को थोड़ा अंदर खींच के रखना है और कुछ नहीं। लेट्स स्टार्ट टुगेदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, शाबाश, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। पैरों को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है? और अब थोड़ा ट्विस्ट करेंगे दोनों बाजू इस तरह, हाथ बिल्कुल चेस्ट के सामने, कोहनी उठी हुई, घुटने फिर से ढीले ढीले और स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, आपके पैर नहीं हिलेंगे अपनी जगह से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and relax। यही से हमारे हाथ आ जाएंगे हमारी कमर पे, ठीक है? ये आज एक्सरसाइजेस साइड बेंडिंग है, फिर से साइड्स फैट के लिए, ओब्लिक्स के लिए, हमारे लव हैंडल्स के लिए, जिन्हें ये फैट जल्दी जल्दी रिमूव करना है। तो कमर पे हाथ रखते हुए अब हमें अपने नी को साइड से उठाना है कुछ इस तरीके से, 1, 2, ठीक है? फ्रंट से नहीं, फ्रॉम साइड। लेट्स स्टार्ट टुगेदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and relax. Good. Not only for belly fat, ठीक है, हमारी back muscles पे भी अच्छा काम होता है, क्योंकि ये muscles इन muscles के साथ connected हैं, ठीक है? कभी भी fat अगर इस जगह का कम करना है तो पहले यहाँ काम होता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर असर होना शुरू होता है। डायरेक्टली कभी भी यहाँ से फैट जाना नहीं शुरू होगा, ये सबसे आखिरी में जाएगा, ये रिमूव होते होते हम
यहाँ पहुँचते हैं। तो साइड्स बहुत अच्छा अभ्यास है जिसे अपनी इस जगह पर काम करना है। रिपीट करेंगे फिर से, थोड़ा पैर खोलते हुए, हिप से ज़्यादा, पंजे फिर से सामने, तीनों चीज़ दोबारा करनी है। स्टार्ट योर प्रैक्टिस। 1, 2, 3, 4, ये करते करते आगे की तरफ नहीं आना है, ठीक है, बिल्कुल सीधे रहते हुए। 4, 5, 6, पेट अंदर खींच के रखो। 7, 8, 9, 10, 11, घुटने ढीले रखेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, पैर एज इट इज। घुटने में बार बार चीज दोहरा रही हूँ ताकि आप ध्यान देते रहें, घुटने ढीले रखने हैं। फिर से इस तरह बाजू सामने लाते हुए स्टार्ट ट्विस्टिंग। अगर हम अपने घुटनों को यहाँ पर कस देंगे तो उन पर प्रेशर जाएगा जो हमें नहीं करना है। अगर आपका पेट आपने फिर से ढीला छोड़ दिया है तो उसको कस दीजिए थोड़ा अंदर की तरफ। वेरी नाइस। गर्दन कोई नहीं हिलाएगा साथ में, सर घूम जाएगा नहीं तो, देखना सामने है, ट्विस्ट अच्छे से। आफ्टर 40 दोनों हाथ फिर कमर पे, साइड से नी उठाते हुए, थोड़ा डिस्टेंस लेके ही खड़े होना है हमने साइड से। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. थोड़ा वॉक कीजिए, लंबी लंबी श्वास के साथ, लंबी लंबी श्वास के साथ। चलिए अभी हमने क्या किया, अलग अलग किया, पहले अपर बॉडी किया फिर लोअर बॉडी किया, अब दोनों को एक साथ करेंगे। तो इस तरह हाथों की फिंगर्स को मिलाते हुए, ठीक है, सिर के पीछे रखना है, कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। और जब हम ये चीज़ रखते हैं ना तो चिन को आगे कोई नहीं लेके आएगा, गर्दन सीधी रहेगी, ये टच नहीं होना चाहिए, इस बात का सबसे पहला ध्यान रखना है। पहले हम राइट साइड ही करेंगे, लेफ्ट के साथ नहीं। तो घुटना वैसे ही साइड से उठाना है और साथ में हमें इस तरह झुकना है, एक बार देखो, 1, ठीक है, बॉडी को भी झुकाना है और घुटना भी उठाना है। पहले राइट से लेफ्ट से नहीं करेंगे, स्टार्ट प्रैक्टिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अच्छा अपने आप करो गिनती करके, अपने आप करो, 25 पूरे करने, कोई जल्दी नहीं। नेहा मैम, नेहा मैम, नी हल्का आगे से उठ रहा है, उसको पूरा साइड से उठाइए, कोशिश कीजिए। तभी मैंने गिनती करना छोड़ दिया, अपना समय लो, अच्छे से करो। वेरी गुड, थैंक यू।
25 हो गया, अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक है? बढ़े, चल, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ी आगे नहीं लाना, 6, 7, 8, 9, 10, 25 अगेन, 25 कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं। नेहा मैम, अपर बॉडी सीधी रखनी है, एल्बो टू नी, अपर बॉडी को साइड में थोड़ा झुकाते हुए थोड़ा बेटर कीजिए, हो सकता है, करो करो करो, ये देखो ये चीज ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है ना, इसी को लेग के साथ ऐसे, हाँ हाँ हाँ, गुड। जिसका हो गया 25, प्लीज थोड़ा वॉक करेंगे, वापस से वॉक करेंगे। नमस्ते मधु जी, थैंक यू एवरीवन। साथ में गहरी गहरी श्वास, इसके साथ भी हम ट्विस्ट करेंगे खड़े खड़े, फिर से एक बार, फिर थोड़ा पैर खोलना है, सीधा रखना है, घुटना ढीला छोड़ना है, मुट्ठी लाते हुए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, पेट अंदर खींच के, गर्दन सीधी। ट्विस्टिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ट्विस्टिंग और साइड बेंडिंग दोनों को मिक्स करके कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बैक पेन में हेल्प करेगा, ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेंगे बैक पेन वाले, उनको जेंटली करना है, आराम से करना है। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, रिलैक्स, वेरी नाइस। कोई डाउट है नी टू एल्बो में, घुटना और कोहनी जो मिलाया था, क्लियर है ना? फिर से करेंगे 25 बार, पहले राइट उसके बाद लेफ्ट, टेक पोजीशन, फिर से उंगलियां मिलाते हुए, सिर के पीछे थोड़ी नीचे नहीं लानी है, नी टू एल्बो, लेट्स स्टार्ट टुगेदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वेरी गाइस, 25 काउंट्स। साइड बेंड होना है, साइड बेंड, आगे नहीं साइड, शाबाश शाबाश। अपने आप को साथ साथ ऑब्जर्व करो, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। जब ये हो जाएगा दोनों तरफ से 25 बार, आप लोगों को नीचे बैठ जाना है, बद्धकोण पोजीशन, बटरफ्लाई पोजीशन, जिसे कि बद्धकोण बोला जाता है। आ जाइए, हो गया, ठीक है। अब यहीं से हम अपना लेग खोलेंगे एक एक करके, पहले राइट एक एक करके, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि अच्छा गैप आ सके। तो राइट खोला, कितना साइड पे जा सकता है, ठीक, उसके बाद लेफ्ट खोला। अब जैसे हम खड़े होके कर रहे थे ना ये, अब वही चीज़ बैठ के करनी है। एक चीज़ अच्छे से समझेंगे पहले, तो हाथ यहाँ है, एक हाथ पैर की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरा फिर से आपके इसी तरफ, आर्म पिट की तरफ, चेस्ट की तरफ, और फिर मूव टू अदर साइड। साइड बेंड करना है, डोंट फॉरगेट, कोई भी ऐसे नहीं झुक जाएगा आगे की तरफ, बिल्कुल सामने, क्लियर है? करें साथ, 1, 2, 3, 4, और एकदम स्पीड सीधी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 और पैर बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, गिरे हुए पैर नहीं। नाइस, 40 काउंट्स अगेन। थोड़ा और डीप जाएंगे। वेरी नाइस। अब जिसके 40 हो जाएंगे वो फटाफट से जाके पिलो लेके आएंगे। पिलो पतला पिलो है तो दो चाहिए, मोटा है तो एक चल जाएगा फटाफट। पिलो लाने हैं एक या दो। मेरा पिलो रेडी है मेरे पास, ठीक है। तो हम साइड करवट लेके एक्सरसाइज करते हैं ना, साइड करवट है ना, तो आज साइड करवट पिलो के साथ करेंगे। बट एक चीज उसमें हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या है वो ये देखिए। ऐसे बैठी हूँ, इससे बिल्कुल यहाँ टच करो। हमें जो पिलो है ना वो इसी जगह पे रखना है, यही चीज पे। हमारा पिलो यहाँ पर अपर पोर्शन में नहीं आना चाहिए, यहाँ टच करके रखना है हमें, क्योंकि जब हम इसके ऊपर जाएंगे ना तो समटाइम्स पिलो ऊपर खिसक जाता है, तो इसे नीचे रखते हुए ये पोजिशन, ठीक है। जो हमारा एल्बो है वो नीचे जमीन पे आएगा ये, और एल्बो जो है वो आगे की तरफ निकालना नहीं है, उसे बिल्कुल पीछे रखेंगे। इतना हो गया। उसके बाद जो नीचे वाली टांग है उसको हल्का सा मोड़ लीजिए, ऊपर वाली बिल्कुल सीधी। अब आगे ध्यान से देखो क्या करना है, ठीक। कल हमने एक एक्सरसाइज करी थी सिर्फ ऐसे टांग उठा के, है ना। आज टांग भी उठानी है और अपर पोर्शन भी साथ में उठाना है। एक बार दो बार ध्यान से देखो फिर स्टार्ट करना। हाथ हमारा यहीं रहेगा, ये किया 1, लेग भी उठी और ये भी उठा, और धीरे से वापस 2, धीरे से वापस, ठीक है। वापस जाते हुए आपको गिरना नहीं है, झटका नहीं देना है, नहीं तो नेक पे प्रेशर चला जाएगा। बहुत स्मूदली उठना है, बहुत स्मूदली नीचे आना है। अगर किसी को किसी कारण से ये बहुत डिफिकल्ट लगता है तो वो ये अभ्यास कर सकते हैं जो हम जर्नली करते हैं बहुत बार, ठीक है जी। समझ में आ गया, फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। लेट्स स्टार्ट। 1, स्लोली डाउन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, very nice, 17, 18, 19, 20। दीपा जी आपकी क्या मिस्टेक हो रही थी? आप यहां से सिर्फ सिर उठा रहे थे, हाथ नीचे ही रह रहा था। हमें हाथ को और सिर को अलग नहीं करना था, हमें ये उठाना था और ये लाना था, ये और ये, ठीक है। अब इसी तरह हम साइड दूसरी तरफ से करते हैं। स्टार्ट करो अच्छे से। नीचे वाला टांग मुड़ा हुआ, पिलो लोअर पोर्शन के साथ रहे, अपर में शिफ्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है।
हाथ यहीं रखते हुए इस पोजीशन में भी हमें ठोड़ी आगे नहीं लानी है, पीछे रखनी है। करें स्टार्ट। चलिए, वन स्लोली डाउन, टू हल्की टांग उठाते हुए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एंड रिलैक्स। बोल्स्टर साइड पे निकाल देंगे। शवासन में आते हुए चार से पांच बार लंबी श्वास, शरीर ढीला, अच्छे से पेट भरना है, खाली करना है, अच्छे से पेट भरते हुए खाली करते हुए। ब्रीद इन ब्रीद आउट। लेग्स का सेवन कैसे बनेगा, ये बन गया। तो इस पोजीशन में हमें अपने नी को, कल भी मैंने बताया था, अपनी तरफ नहीं लाना है, यहाँ रखना है हिप के बिल्कुल ऊपर। हाथों को साइड पे खोल दीजिए, उल्टे हाथ रखेंगे ताकि हम उल्टे हाथ से ज़मीन पे थोड़ा ग्रिप बना लें। चलिए, धीरे से नीज राइट साइड गिराने, सिर्फ नी नीचे रखने हैं, पैर हवा में। यहाँ रुक जाइए, गर्दन सीधी रहेगी, हमें ऊपर देखना है, अपना कंधा नहीं उठने देंगे, हाथ नहीं उठने देंगे। श्वास लेते हुए धीरे से सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास लेते हुए सेंटर, नीज अपनी तरफ नहीं लाएंगे, छोड़ते हुए राइट। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट। नी के साथ नी टच रखो। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट चेंज। मेरे साथ साथ कीजिए। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट चेंज। सेंटर में हमें पोज लेना है। ब्रीद इन सेंटर। सुमन जी नीज को नीचे लगाइए। ब्रीद आउट चेंज, कोशिश कीजिए। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट चेंज। 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 लास्ट ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट चेंज। ब्रीद इन सेंटर। अब पूरा नी अपनी तरफ, हाथों से दबा के रखिए और यहीं रुकिए। यहीं से राइट करवट में आते हुए फिर से उठकर बैठेंगे, बद्ध कोण में
अब हम रिपीट करेंगे। पीठ एकदम सीधी करनी है आपको, हल्का सा भी ऐसे झुकाव नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। राइट लेग खुला, फिर लेफ्ट लेग खुला, पैर बिल्कुल एक्टिव रखने, ढीले नहीं। वही अभ्यास फिर से एक बार, पूरा साइड जाते हुए, वन साइड चेंज, टू चेंज, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन थैंक यू सो मच फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन अनंता बैक सीधी नहीं है बेटा, कंटिन्यू विथ 30 काउंट। हाँ, करते करते पीठ में झुकाव नहीं आना चाहिए, झुकी हुई पीठ के साथ तो कुछ भी असर नहीं आएगा, ऊपर से और बैक पेन हो जाएगा। डन हो गया, वापिस से पिल्लो रखते हुए वही वाला अभ्यास, साइड करवट। शाबाश शाबाश, एक बार करके दिखाऊंगी फिर से, कोई भी डाउट अगर रह चुका होगा तो अच्छे से करेंगे उसको देखते हुए। लोअर बॉडी के साथ टच करते हुए हाथ नीचे, आप नीचे वाली टांग को मोड़ भी सकते हो, सीधा भी रख सकते हो, चॉइस है। और नीचे वाली कोनी आगे की तरफ नहीं जाएगी, फिर से एक बार सुन लो। चलो, हाथ यहीं पे रखा और शुरू किया, वन टांग भी उठाई अपर बॉडी भी और वापिस अपने ऊपर कंट्रोल करो, धीरे धीरे नीचे जाना है। टू वापिस, थ्री वापिस, फोर वेरी नाइस, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन बॉडी पीछे नहीं गिरनी चाहिए, सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन रिदम और अच्छा हो सकता है, नाइनटीन एंड ट्वेंटी। चलो दूसरी तरफ करवट लो। हिरल जी क्या हुआ, क्रैम्प आया? अगर पिलो ज्यादा मोटे हो रहे हैं तो एक निकाल दो, ठीक है, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं करना है। 20 काउंट्स अपने आप दूसरी साइड से स्टार्ट, शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे जैसे समझाया सब चीज ध्यान में लाते हुए, हरी अप रिदम